हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गुवाहाटी फैंसी पिजन। मैं मुश्ताक आपके सामने हाजिर हूँ फिर से। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जब बच्चा हम लोग निकलते हैं तो छोटा या बड़ा बच्चा क्यों होता है। एक बच्चा बड़ा हो जाता है, एक बच्चा छोटा रह जाता है, और छोटा रहने की वजह से वो छोटा वाला जो बच्चा जो है मर जाता है। तो उसका ख्याल किस तरह करे, उसको दोनों जो है बच्चा है कि बराबर किस तरह हो, उसके बारे में आज बात करेंगे। मेरे सामने में आपके सामने में देख रहा होगा, ये दोनों मेरा बच्चा है, दोनों एक ही साइज का है। तो इसको मैंने किस तरह किया, कैसा हुआ एक बराबर, तो उसके बारे में ये वीडियो है, इसलिए आखिरी तक देखिएगा और स्किप मत करिएगा। स्किप करने से आपको मालूम नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कबूतर आपका अंडा दे देगा, जिस तरह मैंने मेरा ये पाउडर है, पाउडर ने अंडा एक दे दिया, अब दूसरा अंडा देने वाला है। वो उसका जो पहले वाला जो अंडा जो दिया था, मैंने वो अंडा उठा लिया। आपको मैं दिखाता हूँ, ये रहा अंडा, यहाँ पे रखा हुआ है। तो पहले वाला अंडा उसको उठा के मैंने, मेरे पास जो है प्लास्टिक का ये अंडा है, उसको मैंने दे दिया। ये प्लास्टिक का अंडा है, ये देखिए, ये प्लास्टिक का अंडा है, इसको मैंने दिया। प्लास्टिक का अंडा आपको जब देंगे, और दूसरा वाला जो अंडा आज वो देने वाला है, जब वो दोनों अंडे में एक साथ में बैठेगा ना, तब दोनों बच्चा आपका एक ही बराबर का निकलेगा। और दूसरी बात ये है कि जब वो दोनों अंडा देने के बाद आप उसको देखिएगा कि दोनों अंडे में एक साथ में बैठेगा, और जब वो बच्चा आपका निकलेगा 18 दिन के बाद, दोनों बच्चा एक साथ में फूटेगा और एक साथ में निकलेगा वो। अगर कहीं कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो जो दोनों बच्चा एक साथ में निकल गया, लेकिन एक बच्चा छोटा और एक बच्चा बड़ा रह जाता है, तो उसमें क्या करें हम। तो इसलिए जो है दोस्तों की बात ये है, जब वो छोटा वाला बच्चा और बड़ा वाला जो बच्चा है, जब उसका माँ बाप दाना या पानी दोनों पीने के बाद, जब बच्चे को जो है वो खिलाने के लिए जाता है, तो खिलाने के जाने के टाइम पर बड़ा वाला जो बच्चा है उसको निकाल ले, उसको तकरीबन आधा घंटा बाहर में रख दे, और छोटा वाला बच्चा को वो खिला ले। जब छोटा वाला बच्चा पूरा खा लेगा, छोटा वाला बच्चा जब उसका पेट जो है भर जाएगा, उसका बाद जो है बड़े वाले बच्चे को उसके अंदर में दे दे, तब देखेंगे कि दोनों बच्चा जो है एक ही बराबर का होने लगेगा। अगर आप हैंड फीडिंग भी करते हैं, जिस तरह चना वगैरह हो गया, कि अगर चने को अगर भिगो के रख दिया आपने, और 5 या 10 जो है 16 जो है चना जो है उनको खिला दिया सुबह शाम, तो देखेंगे कि ये दोनों बच्चा जो है एक ही बराबर का आपका हो जाएगा। बाद मरतबा ऐसे भी हो जाता है कि छोटा जो बच्चा जो है खाने के लिए उसको मिलता नहीं है, और नहीं मिलने की वजह से जो है वो मर जाता है, छोटा वाला बच्चा मर जाता है। इसके लिए जो है दोस्तों हमें जो है ख्याल रखना है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात ये है कि जिस तरह मेरा ये प्लास्टिक का जो अंडा आपने देखा है, अगर आपके पास प्लास्टिक का अंडा नहीं है, कोई अगर किसी कबूतर ने अंडा दे दिया और अंडा वो ख़राब हो गया, वो अंडा आप रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह तो आपका जो है बच्चा मरेगा भी नहीं, और दोनों बच्चा जो है एक ही बराबर का आपका निकलेगा, दोनों बच्चा आपका जो है एकदम सुस्त रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। जो नया व्यूवर्स है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब का बटन को दबा दे, साथ में जुड़े हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।